हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू प्रोजेक्ट। सो टुडे प्रोजेक्ट टाइटल इज स्कूल कम्युनिकेशन पोर्टल। इनसाइड दिस प्रोजेक्ट वी हैव थ्री मॉड्यूल्स एंड वन मॉड्यूल इज ऑन डिमांड। डिमांड मींस दैट इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस प्रोजेक्ट एंड आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर और चीज़ों को वाइड करना चाहिए और चीज़ों को एक्सटेंड करना चाहिए, देन आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसको डेवलप कर सकते हो उस मॉड्यूल को। करंटली इसमें कम्युनिकेशन का ही है, इसमें एडमिन एंड आपका पेरेंट्स टीचर एंड इसके अंदर हमारे पास चार मॉड्यूल्स रहने वाले हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल हमने अभी होल्ड पर है, आप उसको अगर डिमांड करते हो या आपको लगता है कि हमें इसको नीड है तो आप उसको बना सकते हो, या आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हो, हम उसको तभी बना देंगे आपका, अगर आपको लगता है कि वो मॉड्यूल चाहिए आपको। ठीक है, तो लाइक एक हमारा होगा एडमिन, एडमिन के पास हमारे पास सभी चीज़ का राइट्स होगा, ऐड डिलीट। ठीक है, देन उसके पास हमारा पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर एंड एंड देन स्टूडेंट्स। ये मॉड्यूल मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आपको प्रोजेक्ट समझने में इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एडमिन के पास सभी चीज़ों का राइट्स है, वो ऐड डिलीट एंड रिमूव सभी टीचर्स को, ऐड टीचर्स को या स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को रिमूव ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है। सो ऑल राइट्स हैव एडमिन। नाउ पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं और स्टूडेंट्स वाला मॉड्यूल अभी हमारा होल्ड पर है, ये तब डेवलप करेंगे अगर कोई स्टूडेंट इसको बोलता है डेवलप करना है हमको, ये हमको बनाना है उसको। अभी पेरेंट्स एंड टीचर ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक अगर किसी भी पेरेंट्स को किसी टीचर से कम्युनिकेशन करना है किसी स्टूडेंट से रिलेटेड, लाइक कि पेरेंट्स वन है उसको अपने स्टूडेंट्स उसके उसको अपने किड्स स्टूडेंट्स वन के बारे में कुछ पूछना है टीचर टीचर वन से। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, पेरेंट्स डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है टीचर वन से। तो अभी इस मॉड्यूल पर हमारा ओवरऑल वर्किंग है और सब चीज़ में वर्किंग है इस तरीके के कम्युनिकेशन पर। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ों को आपको एक्सटेंड करना है या आप सोच रहे हो कि इसमें हम और चीज़ों को ऐड कर दें तो आप कर सकते हो, या हमें आप कमेंट भी करके बता सकते हो तो हम उसको भी डेवलप करके बना सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन की, हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेज हमारा ऐसे रहने वाला है कि इसमें आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि यू नीड टू चेंज दिस पोर्टल। सबसे पहले हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, इसमें हमें एडमिन भी यूज़र भी स्टूडेंट्स भी सभी यहीं से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं ये वाली ये हमारा इंडेक्सिंग पेज है जहाँ से हमारा लॉगिन पोर्टल स्टार्ट होता है, एंड देन लॉगिन पोर्टल के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कि आपका यूज़र एडमिन है या आपका यूज़र पेरेंट्स है या आपका यूज़र और कोई टीचर है। तो अभी हम लॉगिन करते हैं एज ए एडमिन। सो एडमिन के लिए हमने यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड हम डेटाबेस से उठा लेते हैं, ये हमारा डेटाबेस से एडमिन लॉगिन किया हमने। एज ए एडमिन यू हैव एन ऑल राइट्स, होम पेज पर हमारा ऐसा कुछ इंटरफेस दिखने वाला है। मैनेज स्टूडेंट्स, इफ़ आई क्लिक ऑन द मैनेज स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। जब हम सिलेक्ट करते हैं व्यू पर तो ये ऑटोमेटिकली आपको टेबल फॉर्म में एक दिखा देगा सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स। अगर आपको अपडेट करना है किसी भी स्टूडेंट्स को तो यहाँ से आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो उसके डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ से किसी स्टूडेंट्स को डिलीट भी करना है देन आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, सेलेक्ट द डिलीट बटन और वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से भी रिमूव हो जाएगा और आपकी टेबल से भी रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को, अगर मेरे को सर्च करना है स्टूडेंट्स वन देन वो एक ही रिकॉर्ड आपको दिखाएगा क्योंकि मैंने यूनिक आईडी यूज़ किया है। तो ये तो रहा आपने स्टूडेंट्स का, आप ऐड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ से आपको पूरा फॉर्म फिल कंप्लीट करके आप इसको ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। नाउ नेक्स्ट द टीचर्स, सेम वे वी हैव अ टीचर मॉड्यूल, इनसाइड द टीचर वी हैव द सेम टेबल विच डिस्प्लेइंग द टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑल दिस थिंग्स। सेम यू कैन अपडेट और डिलीट द टीचर्स एंड इफ यू वांट टू ऐड न्यू टीचर यू कैन ऐड द टीचर आल्सो। नाउ सेम फॉर द पेरेंट्स, वी हैव द पेरेंट्स हेयर, ऑल द पेरेंट्स डिटेल्स आर डिस्प्लेड हेयर इन अ टेबल फॉर्म। पेरेंट्स को हम यहाँ सर्च कर सकते हैं कि अगर हमें कोई पेरेंट्स ऐड करना है तो हम यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं। पेरेंट्स हमें ऐड करेंगे तो पेरेंट्स का रिलेटेड हमें एक स्टूडेंट्स भी ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट्स ऐड करूँगा तो यहाँ पर आपको पेरेंट्स आईडी पूछेगा वो, तो
पेरेंट्स के रिलेटेड हमें एक स्टूडेंट्स भी ऐड करना पड़ेगा फिर। तो अभी हम एडमिन को लॉग आउट कर देते हैं और एज ए पेरेंट्स ये टीचर हम लॉग इन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स वाला मॉड्यूल अभी होल्ड पर है तो इसलिए वो आपको भी रनिंग में दिखेगा नहीं, वो तब अगर आपको लगता है कि वो हमें चाहिए देन हम उसको बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टीचर हमने लॉग इन किया है, व्यू टीचर, ये अगर हम यहाँ पर सभी को चेक करेंगे तो ये हमारे पेरेंट्स को डिस्प्ले दिखा देगा, पेरेंट्स वन, पेरेंट्स टू, पेरेंट्स थ्री। अगर मैं इस पेरेंट्स को कम्युनिकेशन या चैट किया हूँ तो यहाँ पर दिखा देगा, या कोई मैसेज होगा तो भी दिखा देगा, हाई पैट। तो अभी मैं इस पेरेंट्स को मैसेज करता हूँ, पेरेंट्स वन को सेंड किया, मैसेज सक्सेसफुली जा चुका है। तो अभी हमारे पास एक ही मैसेज है, ठीक है, पेरेंट्स जीरो से हेलो का। बट अब हम चेक करते हैं पेरेंट्स पेट वन को, तो इसमें इसके पास मैसेज आ गया होगा, इसने एक मैसेज रिसीव किया होगा। तो हम वहाँ पर देखते हैं, ये रहा एक मैसेज जो कि टीचर जीरो ने डिलीवर किया है, हाय पेट, 24 तारीख को। और यहाँ से भी हम उसको मैसेज कर सकते हैं अगर हमें कुछ करना हो तो, हेलो आई एम हेयर। तो यहाँ से हम ऐसे मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उस मैसेज कम्युनिकेशन से क्या होगा कि आप इसमें अगर और चीज़ों को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज आ गया। तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि पेरेंट्स एंड टीचर की कम्युनिकेशन हो रही है, अभी स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन नहीं है इसके अंदर। बट अगर आपको लगता है कि हमें स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन भी ऐड करनी है देन आप उसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तब आपको लगता है कि प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हो कॉलेज के अंदर, या फिर आप प्लेसमेंट के पर्पज से इसको परचेज करना चाह रहे हो, देन हम उसी बेस पर इसको ऐड कर देंगे। इसमें टीचर की और स्टूडेंट्स की एंड पेरेंट्स की कम्युनिकेशन फिर ऐसे रोटेट हो जाएगी, तो उसमें कम्युनिकेशन सभी का हो जाएगा फिर। तो ये था अपना आज का प्रोजेक्ट, टीचर पोर्टल, टीचर स्कूल कम्युनिकेशन पोर्टल। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली आपने क्या करना है, या तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है या फिर आप updatekar.com एंटर करना है। यहाँ पर आपने जाना है प्रोजेक्ट्स पर, PHP प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जब आप PHP प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लोगे तो आपको पहले ही नंबर पर ही प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, और भी काफ़ी इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो आप वो भी चेक कर सकते हो। जब आप ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिखा देगा और यहाँ पर आपको नेविगेट कर जाएगा। अगर आपको कोई फ्री प्रोजेक्ट चाहिए, फ्री प्रोजेक्ट आप सर्च करें तो आप यहाँ से फ्री प्रोजेक्ट पर सेलेक्ट करोगे तो ये लिस्ट दिखा देगा आपको फ्री प्रोजेक्ट्स की, सभी आपको फ्री प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिख जाने, और आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।